उद्यान विभाग का नया कारनामा सामने आया है। बता दें कि डोईवाला के रानी पोखरी में गत 4 दिन पहले हाईवे किनारे देर रात आम के बगीचे में 8 पेड़ों पर आरियां चला दी गई थी, जबकि इस बगीचे से पुलिस थाने की दूरी मात्र 200 मीटर है। बावजूद इसके पेड़ तस्करों ने खुलेआम पुलिस व वन विभाग के साथ उद्यान विभाग को बड़ी चुनौती दी है। मीडिया ने जब इस मामले को उठाया तो उद्यान विभाग ने खाना पूर्ति के नाम पर भूमि स्वामी के नाम पर मात्र 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। प्लांटिंग के लिए बगीचों को लगातार काटा जा रहा है और इन बगीचों को काटने के लिए भूमाफियाओं को उद्यान विभाग वन विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। इन पेड़ों को काटे जाने को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और विभाग के खिलाफ जांच कराने की बात कही है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, मेरे संज्ञान में आप लाए, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, जो भी वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हों या जिनको काटने की परमिशन भी है, तो एक परमिशन के बाद ही उनको काटा जा सकता है, उसके लिए एक व्यवस्था है। और अगर बिना परमिशन के काटे गए हैं, चोरी के लिए काटे गए हैं या किसी अन्य कार्य के लिए अगर काटे गए हैं, तो ये बहुत आपत्तिजनक है और निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया जाएगा और हम इससे संबंधित संबंधित विभाग से बातचीत करेंगे।